नमस्कार सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी में प्रथम श्रेणी खाता भर्ती में भूगोल विषय के पेपर की आज आंसर की पर चर्चा करेंगे। क्या प्रमुख उत्तर और क्या आंसर की हमारे हिसाब से है उस पर बात करने शुरू करेंगे। तो क्या क्या प्रमुख चीजें हैं उन सबको देखते हैं। पेपर काफी अच्छा आया, पूरी पुस्तक और जितने भी सिलेबस में बिंदु थे उन सबको आरपीएससी ने इस बार के प्रश्नों में शामिल किया। 11वीं की एनसीईआरटी की किताबों से काफी प्रश्न जो है वो बनाए गए। तो बात करते हैं, हम भूगोल के प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे कि उनके प्रमुख उत्तर क्या है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि प्रश्न संख्या 2 का उत्तर 3 रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी प्रकार कोपेन के जलवायु प्रदेश में AW प्रकार की क्या जलवायु है, तो AW पूछा गया था वो भी राजस्थान के अनुसार, तो इसका उत्तर 3 रहेगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़। तो ध्यान रखना है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़ वाला उत्तर जो है वो AW के अंदर सुमेलित होगा। अगला प्रश्न फिर काफी अच्छा था, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत दिया गया एडविन कैनन के द्वारा। याद रखेंगे एडविन कैनन ने अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत जो है वो दिया है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 की वो हरे 5 की निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है, तो पार्वती और मोरेन का जो युग्म है वो असुमेलित है। पार्वती चंबल की मोरेन बनास की सहायक है, मोरेन बनास की सहायक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 में हमें सुमेलित करना था कि कौन कौन से इसमें सुमेलित है, तो सामने उत्तर था स्पाइकमैन यूएसए से, कैजलन स्वीडन से, मैकेंडर ब्रिटेन से और ओएचके स्पेड ऑस्ट्रेलिया से। ABC और D उत्तर संख्या 3 जो है इसके अंदर सही थी। अगला प्रश्न, हम साइको पर बात नहीं करेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की जो किताब है उसको देखेंगे तो उसके अनुसार एक सारणी बनी हुई है, एक तरफ रास्टर का और एक तरफ वेक्टर का डाटा दिया गया है। यहां आपको ध्यान रखना है कि परिपथ जाल के विश्लेषण के लिए, परिपथ जाल के विश्लेषण के लिए जो है वो इसमें उत्तर गलत था। इसका उत्तर जो है 8 नंबर प्रश्न का, इसका उत्तर B रहेगा। परिपथ जाल का विश्लेषण वेक्टर मॉडल से संबंधित है। तो ये इसका उत्तर जो है वो रहेगा, कौन सा सही नहीं है। हाँ, तो परिपथ जाल का विश्लेषण जो है वो सही नहीं है इसमें, तो इसका उत्तर B रहेगा ना कि C, ये बात हम ध्यान रखेंगे। अगला, फिर आपसे 4 प्लेटें जो है उनका क्रम पूछा गया था, सबसे ऊपर आएगी जुआन डी फूका B प्लेट, फिर आएगी आपकी नजका, फिर कोकोस, फिर नजका, फिर सकोशिया, बिल्कुल नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में BCAD। तो सबसे ऊपर जुआन डी फूका, फिर आएगी आपकी कोकोस, फिर आएगी नजका और फिर आएगी सकोशिया प्लेट। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो है वो 3 रहेगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न, विषुवत रेखा के ऊपर शोभ सीमा में हवा में अगर माइनस तापमान है तो ध्रुव के ऊपर कितना होगा, माइनस में 45 डिग्री उत्तर रहेगा इसका, माइनस में 45 डिग्री डी, औसत माइनस 65 होता है क्योंकि एक तरफ 18 किलोमीटर ऊंची है, एक तरफ 8 किलोमीटर ऊंची होती है, पर तो माइनस 45 डिग्री इसका उत्तर रहेगा। 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है, सामने लिखा हुआ था 11 नंबर प्रश्न में, इसका उत्तर था कि कटक कोई प्रवाल भित्ति नहीं होती, तटीय अवरोधक और एटोल प्रवाल भित्तियां होती हैं, कटक प्रवाल भित्ति नहीं होती। 2 नंबर फिर कह रहा हूं नहीं है पढ़ना था यहां। फिर चलवासी पुशुचरण 12वीं की एनसीईआरटी के पाठ नंबर 5 से प्रश्न आया था, कभी भी चलवासी पशुचरण में स्थायी चारागाह नहीं होते और पशुओं को विक्रय करने के लिए नहीं पाला जाता, बेचते नहीं है पशुओं को, तो A और B
इसका उत्तर जो है वो सही रहेगा, ए और बी उत्तर जो है वो सही रहेगा। फिर कोलबर्ग का सिद्धांत, ये साइको का प्रश्न था। फिर आपको सुमेलित करना था 14वां प्रश्न कि हम्बोल्ट की पुस्तक कॉस्मोस, तीन नंबर उत्तर, तो तीन पहले छांटना था। रीडर की पुस्तक अडिकंडे, चार नंबर, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। उसके बाद में हार्टसन हटिंगटन की पुस्तक क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन, ये बड़ी थी, चार का एक, और बाकी जो पुस्तक रह गई वो हार्टसन की थी, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी इन री एग्जामिन्ड। ये उत्तर चार नंबर जो उत्तर है वो इस प्रश्न का रहेगा। उसके बाद में हमसे प्रश्न संख्या 15 जो है वो, उस पर बात करते हैं, उसका उत्तर क्या रहेगा। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर है तीन नंबर, शिपकिला दर्रा। ये जो दर्रा है ये यहां धौलाधार नहीं आएगा, यह आएगा महान हिमालय श्रेणी में है, ये महान हिमालय श्रेणी का दर्रा था। उसके बाद में आपसे उत्तर पूछा गया था, इसका उत्तर 6 आएगा, आपको जेड बराबर 3m-2x बार उत्तर लगाना था, इसका उत्तर 6 रहेगा। उसके बाद में अगला प्रश्न जो पूछा गया, भारत में सर्वाधिक बाढ़ वाला राज्य है, एनसीईआरटी की पुस्तक से फिर प्रश्न आया, पाठ नंबर 7 से 11 की 2 नंबर से, बिहार। अगला प्रश्न सविंदर सिंह की पुस्तक से था, कैटिल और हमद, कैटिल के अंदर छोटे, कैटिल के अंदर बनने वाले छोटे जमाव जो है वो क्या कहलाते हैं, वो जमाव कहलाते हैं हमक। ध्यान रखने है, इसका उत्तर 3 रहेगा, कैटिल के अंदर छोटे जमाव हमक कहलाते हैं, तो 3 नंबर उत्तर था इसका हमक। फिर ए होम्स ने किस स्थलाकृति को कोक्सकोम कहा है, बढ़िया प्रश्न, काफी बच्चों ने इसका उत्तर नहीं लगाया, इसकी स्थलाकृति का नाम था यारडांग। यारडांग स्थलाकृति को होम्स ने जो है कोक्सकोम स्थलाकृति कहा है। 19वें का उत्तर रहा 4 नंबर, 19वें का उत्तर 4 नंबर रहेगा, यार डांग स्थलाकृति को कोक्सकोम का है। उसके बाद में ओस अमन बोरो चावल की तीनों किस्में बोने वाले दो राज्य पूछे थे, पश्चिम बंगाल और असम, पश्चिम बंगाल और असम चावल की तीनों किस्में बोने वाले राज्य हैं भाई। आगे बात करते हैं, मानवीय उपागम पूछा गया, YV2 मानवीय उपागम, YV2 PF2 जो है वो मानवीय उपागम का, ह्यूमैनिटी का, अप्रोच का जन्मदाता था। ये एक प्रश्न और आया 21 नंबर, बढ़िया प्रश्न, पेपर बहुत लेवल का था इस बार। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, ये 0 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें ऐसे चलती हैं, निशान लगाया दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। द्वार स्थलाकृति, फिर 12वीं की एनसीईआरटी में भारत के चैप्टर में से प्रश्न आया, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में पाई जाती है, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में पाई जाती है द्वार स्थलाकृति। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर यह था। उसके बाद में 25 नंबर प्रश्न, उपवन नगर की संकल्पना, एक नंबर ऑप्शन ई हार्वर्ड की है, हार्वर्ड की है, ई हार्वर्ड की संकल्पना है उपवन नगर मूवमेंट, ध्यान रखेंगे गार्डन सिटी मूवमेंट, ई हार्वर्ड का था ना कि क्लार्क डी का, ये जिसका भी पेपर सर का, तो ई हार्वर्ड इसका सही उत्तर है। चलिए आगे, चंद्रमा की किन प्रावस्थाओं में लघु ज्वार आएगा, काफी लोगों को उलझाया इस प्रश्न ने, गिब्बस यानी कुबड़ा और वर्धमान दोनों के दोनों स्प्रिंग टाइड से संबंधित होते हैं ना कि नीप टाइड से, तो उत्तर 1, 3, और 4 यानी सी और डी जो है प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में जो है नीप टाइड जो है वो आता है, यानी लघु ज्वार आता है। आगे फिर पॉलिटिकल उसका प्रश्न साइको का, फिर आगे वाहन त्यूनर के कृषि वस्तुति सिद्धांत में सुमेलित नहीं है या सही सुमेलित है, तो 1 और 2 सही है, 3 खेत प्रणाली जो है 4 नंबर में नहीं 5 नंबर पेटी में होती है भाई, 5 नंबर पेटी में होती है, ये भी गलत है, यहां सिर्फ राई की फसल बोई जाती है, वो भी सिर्फ आजीविका के लिए, टिकाऊ खाद्यान्न के लिए नहीं है वो, आजीविका के लिए, कृषि भूगोल माजिद हुसैन की किताब से ये प्रश्न, तो समान तौर पर यहां राई की फसल बोई जाती है और वहां वो 5 नंबर पेटी में था, इसका उत्तर ए और बी सही थे, ए और बी सही थे, सी तो वैसे ही गलत था, तो यहां भी आप गलत, यहां भी गलत,
ये सब। उसके बाद में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर पूछा गया था, बीकानेर में है भी, बीकानेर के अंदर है भी ये। ज्योग्राफिक इन 20th सेंचुरी ग्रिफिथ टेलर की पुस्तक है, ज्योग्राफिक इन 20th सेंचुरी ग्रिफिथ टेलर, प्रवास प्रतिबंध सिद्धांत से संबंधित ये किताब। इसका उत्तर दो रहेगा, इसका उत्तर बीकानेर रहेगा भी। आगे ड्रुंड रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती है, अफगानिस्तान के साथ जोड़ती है भी, ड्रुंड रेखा भारत को अफगानिस्तान के साथ जोड़ती है। वेबर के अनुसार अगर पदार्थ सूचकांक एक हो, एक होने पर यानी कच्चा माल भी 100 किलो है तैयार माल भी 100 किलो है तो दोनों का पदार्थ सूचकांक एक होगा, और जब एक होगा तो ऐसी स्थिति में चाहे आप उद्योग कच्चे माल के पास लगाए या बाजार के पास, सामान्य तौर पर उसे बाजार के पास ही लगाया जाता है क्योंकि समूह की अर्थव्यवस्था का लाभ उसे मिलता है, ग्रुपिंग का या श्रमिकों का सस्ते श्रम का। तो इसका उत्तर बाजार रहेगा, इसका उत्तर बाजार रहेगा। मेरे को लगता है इस प्रश्न पर लोग विवाद करेंगे और कहीं भी बाजार से दूर या दोनों के मध्य है। 34वां प्रश्न, पहला ऑप्शन ही बहुत प्रश्नों में इन्होंने पहले ऑप्शन में उत्तर दिया कि मोनेक्स सामान्य तौर पर भारतीय है, मानसून से संबंधित एक अभियान है, तिब्बत का पठार उसको प्रभावित करता ही करता है, भारतीय उपमहाद्वीप में 6 माह बाद पवनों का क्रम उठता है, परंतु एक ग्रहीय पवन नहीं है, एक ग्रहीय पवन नहीं है, यह बात हमें ध्यान रखनी थी इस प्रश्न में 34 नंबर में। बढ़िया प्रश्न अगला कि सुदूर और होस्पेट किससे संबंधित है, तो याद रखना था बेलारी से संबंधित है, बेलारी से संबंधित है। अगला प्रश्न बढ़िया, मिश्रित किसी के संबंध में फिर एनसीईआरटी की 12वीं की पुस्तक से सिंपल मिश्रित किसी का टॉपिक उठाया, चारों लाइनें वहां से उठाकर लिख दी, सर्वाधिक विकसित राज्यों में होता है, भूमि का आकार खेतों का आकार मध्यम भी होता है, यही फसलें बोई जाती हैं और कृषि मशीनरी पर पूंजी निवेश अधिक होता है। चारों के चारों कथन 36 नंबर प्रश्न में सही थे, 36 नंबर प्रश्न में चारों के चारों उत्तर जो है वो सही आएंगे। अगर आप चाहे एनसीईआरटी की पुस्तक को उठाकर देख लेना, चारों के चारों प्रश्न जो है इन चारों का उत्तर ही सही था इस उत्तर माना में। आगे बात करते हैं क्षेत्रीय एकता सिद्धांत में आपसे क्रम पूछा गया, जाना माना क्वेश्चन, पहले एक विचार आएगा फिर उस विचार पर निर्णय लिया जाएगा, फिर वो विचार गति करेगा और गति करने के बाद वो विचार एक राजनीतिक क्षेत्र में बदलेगा, सॉरी राजनीतिक विचार, ये वाला उत्तर 4 नंबर उत्तर, ये उत्तर था। जेम्स सटन का एकरूपतावाद 1785 1729 से लगभग और 1791 तक जेम्स सटन का कार्यकाल रहा। 1785 में उन्होंने एकरूपतावाद की संकल्पना प्रस्तुत की, 2 प्रश्न आए इस जेम्स सटन से हमारे भूगोल में। 39वां प्रश्न वो अपने संबंधित नहीं था, बहुत लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया, एनसीईआरटी की पुस्तक 11 में हिमानी के बिल्कुल दोनों पे सिलेटेड कटक हिमानी की सलाह करती है ना कि भूमिगत जल की, अंडरलाइन कर लेंगे, बढ़िया प्रश्न था, दांतेदार लकीरियां और इन्होंने साथ में वहां होवर्ड में लिख रखा है तो उसका उत्तर हिमानी है भी ना कि भूमिगत जल, तो हिमानी इसका सही उत्तर था। बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया गिनी चीनी और ब्राजील, चीन और ब्राजील जो है 21वें सबसे ऊपर रहे, सही उत्तर था ये। या फिर सर ने एक जिसने भी इसकी कॉपी उन्होंने प्रश्न गलत किया, 42 नंबर का उत्तर 1 नंबर होगा, द इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी इसका उत्तर 1 नंबर होगा। बात करते हैं इसके ऊपर कि बाकी शेष उत्तर कहां से थे, द इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी यानी दूसरी कलकत्ता से थी, ये कलकत्ता से थी, दक्कन हैदराबाद से थी, दक्कन ज्योग्राफी हैदराबाद से, और नेशनल ज्योग्राफी इंडिया ये वाराणसी से प्रकाशित होती है। तो 1 नंबर उत्तर जो है वो इसका सही था, द इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी, फिर कह रहा हूं एचडी मोरे की किताब जो है उसके अंदर सारणी में से प्रश्न उठाकर आपको दिया गया ये भारत में भूगोल के विकास में से। जंग का कटोरा आप सबको पता है, फिर 12वीं की पुस्तक से पिट्सबर्ग इसका उत्तर था, पिट्सबर्ग इसका उत्तर था। चलिए आगे बात करते हैं, 2011 की जनगणना में कौन से युगम सही सुमेलित है, तो 44 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर था बी और सी, महाराष्ट्र में घनत्व 1000 से कम है और बिहार के अंदर जो है न्यूनतम ये जनसंख्या नहीं है,
तो नगरीय संख्या उच्च प्रतिशत नहीं है, ये भी गलत था, ये दोनों सही थे। लिंगानुपात में उच्च में आता है तमिलनाडु 200 के आसपास, 97 के आसपास। हिमाचल प्रदेश में आपको पता है न्यूनतम नगरीय है परंतु उच्च ग्रामीण है। तो बी और सी इसका सही उत्तर था। प्लेन टेबल की स्थिति निर्धारण में किन दो का प्रयोग करते हैं, विकिरण और प्रतिच्छेदन, बी और डी। तो ये उत्तर थे रेडिएशन और इंटरसेक्शन, वो पूर्व युग्मीकरण के लिए होता है, प्लेन टेबल में उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए नहीं किया जाता। तो बी और डी उत्तर जो है इसमें सही थे। भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र निर्माण की कला का कार्य करता है। टोलेमी की परिभाषा थी ये, क्लॉडियस टोलेमी मानचित्र कला का जनक, मानचित्र कला का जनक क्लॉडियस टोलेमी, उसकी ये परिभाषा थी। बढ़िया प्रश्न था ये। इस प्रश्न का उत्तर भी हमने नहीं पता कि क्या होनी चाहिए, कितनी लंबाई, छोड़ सकते हैं इसे आप। वेनिस उत्तरी पूर्व इटली में स्थित है, एडियाटिक सागर की रानी, उत्तर पूर्व इटली में स्थित है। 2020 में 10 में नहीं है, आइसलैंड सही था ये, यहां उत्तर पूर्व इटली आएगा भी। वेनिस उत्तर पूर्व इटली में स्थित है, सकारात्मक। फिर उसका साइको का प्रश्न, इसका आइसलैंड उत्तर हमने लगा ही लिया। सुमेलित कीजिए क्या इसका उत्तर होगा, इस पर बात करते हैं। 51 प्रश्न का उत्तर वैसे ए का सी, इंदिरा लिफ्ट परियोजना, बढ़िया प्रश्न पूछा। इंदिरा लिफ्ट परियोजना चंबल पर है, उसके बाद में फिर नवनेरा परियोजना काली सिंध पर है, अजान बांध गंभीर नदी पर है, विश्रदा बांध बनास नदी पर है। तो ये इसका उत्तर रहेगा 3 नंबर। राजस्थान का पेपर भी काफी अच्छा था इस बार। आगे चार हिमयुग वही के वही आपसे पूछे गए, चार हिमयुग तो नेब्रास्कन कंसास इलिनियोस विंटांसिस एन सी ई वी, तो एन सी ई वी इसका उत्तर था। डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब विंटर शुष्क है, विंटर शुष्क है, सर्दियां वर्षा कब हो रही है, गर्मियों में समर में, तो शुष्क शीत ऋतु इसका उत्तर था, विंटर शुष्क है। डब्ल्यू का मतलब छोटे, डब्ल्यू का मतलब पूछा था, बड़े डब्ल्यू का मतलब मरुस्थल होता है। आगे एक मानचित्र पर 4x16 का दिखाता है, मेरे हिसाब से उत्तर 1:4 होना चाहिए, 1:4 लाख, एक क्योंकि स्केल में था। अब यह प्रश्न में क्या है, यहां किलोमीटर नहीं लिखा, हिंदी वाले पेपर में यहां किलोमीटर नहीं लिखा था, परंतु अंग्रेजी के प्रश्न में किलोमीटर लिखा था, तो इसका उत्तर यह बनेगा। चलिए आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, फिर 12वीं की भूगोल की पुस्तक से प्रश्न, 2025 में 8 अरब होने का अनुमान है विश्व की जनसंख्या को। यह भी कि प्रकृति की मेहर पर सब लोग नियत, अच्छा लेख पूछा गया। अच्छा माल्थस से भी 2 प्रश्न आए इस बारी, तो रॉबर्ट थॉमस माल्थस का ये कथन था नामक लेख जो है 1803 में प्रकाशित हुआ जनसंख्या सिद्धांत पर, माल्थस का ये था उत्तर। तो काफी कुछ आठ पैसे सिलेबस से बाहर नहीं पूछा कुछ इस बारी। चलिए निम्न में से कौन से गलत है, एसीसी का सरकार कारखाना लाखेरी बूंदी में है, तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। श्री राम सीमेंट कोटा में है, ब्यावर में नहीं है, ये दोनों गलत थे, सही पूछे थे, बाकी दोनों सही थे बी और सी। पार कैनेडियन रेल मार्ग आपसे पूछा गया, इसके पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लिखने थे, तो सबसे पहले इस पर आएगा क्यूबेक, फिर राजधानी ओटावा, फिर विनिपेग और लास्ट में वैंकूवर। प्रश्न संख्या 58 का उत्तर 4 रहेगा, क्यूबेक ओटावा विनिपेग वैंकूवर। उसके बाद मृत्यु घाटी दक्षिणी कैलिफोर्निया में सविंदर सिंह की किताब से पूछा गया प्रश्न, गार्बेन ब्रंच वाले ऑप्शन में आप पढ़ेंगे बिल्कुल लाइन में, इस तरफ पेज पर नीचे लिखा हुआ है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया की मृत्यु घाटी गार्बेन का उदाहरण है। 58 नंबर 59 नंबर में हमारा कंप्लीट हुआ। नायक पूजा गाटून झील पनामा नहर पर है, मैप से 12वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक से फिर मैप से प्रश्न आया, पनामा नहर से संबंधित है गाटून नहर। फिर जेम्स हटन ना तो आदि का अंत नाम की होने की कोई आशा, ये परिभाषा किसकी थी, जेम्स हटन की थी, याद रखेंगे इसे भी। आगे क्षेत्रीय एकता सिद्धांत सिलेबस में लिखा हुआ था, बी एस जोन्स का क्षेत्रीय एकता सिद्धांत सामने सामने। बिकनी एटोल मार्शल द्वीप समूह पर है, फेमस काफी, बिकनी एटोल मार्शल द्वीप समूह पर है, उत्तर नंबर 64 का 2 रहेगा, मार्शल द्वीप समूह पर। एस बी जोन्स 63 नंबर,
उसके बाद में बढ़िया बढ़िया प्रश्न, वर्टी सोल्स, हरिवंश सक्सेना, राजस्थान का भूगोल, लाइनों से प्रश्न आया बिल्कुल सीधा सीधा पुस्तकों से, बिल्कुल लाइनें की लाइनें लिखी हुई हैं। वर्टिसोल्स मृदा है, ये दोनों उसकी विशेषताएं हैं। मानव भूगोल की परिभाषा, फिर भारतीय एनसीईआरटी से डब्बे से प्रश्न आया, ये परिभाषा फ्रेडरिक रेटजेल की है, ये परिभाषा फ्रेडरिक रेटजेल की है, फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा है 66 नंबर प्रश्न में। चलिए आगे, किसका उद्गम स्थल राजस्थान से नहीं है? गंभीरी, पार्वती, काली सिंध और परवर नदियां राजस्थान से नहीं निकलती। गंभीरी, पार्वती, काली सिंध और परवर नदियां राजस्थान से उद्भवित नहीं होती, ये सारी बाहर से थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, और सुरेंद्र सिंह की किताब से बिल्कुल वहां से लाइनें उठाकर आपको ये प्रश्न दिया गया। इसका उत्तर वैसे सी रहेगा, यहां बी ए डैश डब्ल्यू नहीं आएगा 68 नंबर में, बी यहां सी कुछ आएगा, यहां सी कुछ आएगा, इसका उत्तर 3 नंबर रहेगा। ध्यान रखें, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु शीतकाल में वर्षा, इसका उत्तर सी जो है वो गलत है। फिर यहां फिर निम्न में से कौन सा तंत्र विशेषण से संबंधित नहीं है? मेरे को इसमें से दो ऑप्शन नहीं मिल रहे, एक या तो जेम्स पी नहीं होगा या फ्रीमैन एनएम नहीं होगा, उत्तर 2 या 4 में से होगा, बाकी दोनों संबंधित है, 2 या 4 में से होगा। और मेरे को लगता है जहां तक जेम्स है जो वो नारीवाद से संबंधित है, जॉनसन भी और जेम्स पी जेम्स, इसका उत्तर एग्जैक्ट नहीं पता। मैं वही गर्म धारा अगुलहास, अगुलहास की धारा गर्म है। बीमा का संबंध तृतीयक यानी सेवा सेक्टर से है। बेंगवेला हम बोर्ड आयोशी हड्डी जल रहे हैं, अगुलहास से गर्म जल धारा है। उसके बाद में आगे मेंटल मैप पुस्तक जो है पीटर गोल्ड और रोडनी व्हाइट की है, पीटर गोल्ड और रोडनी व्हाइट की पुस्तक है मेंटल मैप्स, बिल्कुल मेंटल मैप्स पीटर गोल्ड का है, ये उत्तर था इसका। भूतलिक उपग्रह है इनसेट, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट आपसे पूछा गया था, इसका उत्तर इनसेट है, पीटर गोल्ड और रोडनी व्हाइट, मेंटल मैप उनकी पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। आगे मानक विचलन की गणना की जाती है समांतर माध्य से, मानक विचलन की गणना के लिए पहले हम समांतर माध्य से उसकी गणना करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सम्मिलित करना था, 12वीं की किताब से फिर प्रश्न, लैटेराइट मृदा राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है, तो 75 नंबर प्रश्न था, इसका उत्तर 3 नंबर है, वैसे पहले का उत्तर सी होगा, काली मृदा महाराष्ट्र में, इसका उत्तर बी होगा, तो बी और सी, लैटेराइट मृदा लवणीय मृदा कच्छ में और लाल दोमट छोटा नागपुर पहाड़ में। पहली बार विश्व के मैप पर समताप रेखाओं का प्रदर्शन हम्बोल्ट ने किया है, पहली बार विश्व के मैप पर समताप रेखाओं का श्रेय हम्बोल्ट को जाता है, कालमापी का प्रयोग भी सबसे पहले हम्बोल्ट ने किया। उसके बाद में सही उत्तर, बढ़िया प्रश्न, इसका उत्तर बी गलत है, 1220 मीटर ही ऊंचा है अबू पर्वत समुद्र तल से, बाकी दोनों सही थे, रासमन से सिरोही तक दक्षिणी अरावली का विस्तार है उसके बीच में, आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां सारी की सारी सिरोही में थी ये, परंतु ये आबू पर्वत समुद्र तल 1722 मीटर ऊंचा है ये नहीं है, केवल और केवल ए और सी इसका उत्तर होगा, केवल और केवल ए और सी इसका उत्तर सही रहेगा। शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, खमद्य और मर्केटर एक शुद्ध दिशा प्रक्षेप होते हैं, जेपी शर्मा प्रयोगात्मक भूगोल में अंतिम अंतिम शुद्ध शंकु प्रक्षेप से पहले शुरू होने से वहां शुद्ध दिशा प्रक्षेप में लिखा हुआ है, खमद्य प्रक्षेप और मर्केटर प्रक्षेप शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, बेलनाकार सम क्षेत्रफल प्रक्षेप एक शुद्ध दिशा प्रक्षेप नहीं है। फिर वही बात आरपीसी की तरह नहीं यहां लिखा था, शामल इराक में बहती है, अभी ईरान इराक में बहने वाली पवन का नाम है शामल, ब्राजील में नहीं है ये, इराक में है, इराक में बहने वाली पवन है शामल। किसने किया कि इतिहास संस्कृति और जीवन पद्धति व्यवसाय जलवायु से निर्धारित होते हैं, हटिंगटन, हटिंगटन। कौन सा वायु व्यवसादी है, लोएस, बालू का पत्थर जल से बनती है, लोएस यह एक वायु अवसादी चट्टान, तो इसका उत्तर लोएस रहेगा 81 नंबर का। संचार की प्रक्रिया के दौरान इसको डिकोडिंग एनकोडिंग कहते हैं, इसको एनकोडिंग कहते हैं, लिख लेंगे फिर भी सामने आ गया। कौन सा सम्मिलित नहीं है,
इसका उत्तर जो है यहां गलत लगा हुआ है, 83 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर, कोठारी नदी उदयपुर और भीलवाड़ा से नहीं बहती अभी, ये बाकी सब सही है, कोठारी नदी उदयपुर और भीलवाड़ा से नहीं बहती है, याद रखेंगे 83 का उत्तर जो है वो 4 नंबर रहेगा, कोठारी नदी उदयपुर और भीलवाड़ा, कोठारी नदी उदयपुर भीलवाड़ा गलत है, ये इसका उत्तर रहेगा, ये नहीं रहेगा। उसके बाद में आगे, समान रूपक भिन्न में किसी मापने को अधिक बारीकी से दर्शाया जाए, तो फिर पहले समान निरूपक पर इसके ऊपर अधिक बारीकी से दर्शाया जाएगा विकर्ण मापक, इसमें तुलनात्मक मापक होता तो हम तुलनात्मक मापक को पढ़ते हैं। उसके बाद में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहां ध्यान रखें कि इसमें उत्कल तट सही है, ए डब्ल्यू सही है, 86 नंबर का उत्तर जो है वो 3 नंबर कोंकण तट जो है वो बी एस एफ डब्ल्यू में नहीं आता, वो भी ए डब्ल्यू में ही आता है, कोंकण तट जो है ये नहीं आता बी एस एच डब्ल्यू में, पेरियार का भूगोल अरविंद कुमार की पुस्तक में मैप बना हुआ है वहां से आप देख सकते हैं, ये गलत है ये सही है, उत्कल उड़ीसा का ए डब्ल्यू में आता है, सर्वाधिक भाग पर उसी वनस्पति का विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद में हमसे सुमेलित करने का प्रश्न, किसको की स्थापना 1907 में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में जमशेदपुर साक्ची में स्थापित की गई, आगे सुमेलित कीजिए, व्यवहार बाद क्रिक मात्रा हमेशा बर्तन में मापते हैं, उसके बाद में प्रश्न विवाद ओएच के स्पेट अतिवाद पीट का था, ये इसका उत्तर रहेगा, ए का उत्तर सी रहेगा, उसके बाद में बी का उत्तर डी रहेगा, फिर अतिवाद का उत्तर ए रहेगा और फिर बी रहेगा, 2 नंबर उत्तर सी डी ए बी। प्रत्यास्त पुनर्चरण सिद्धांत, फिर सविंदर सिंह की पुस्तक भूकंप में साफ लिखा है भ्रंश मूलक एक आकृति है, भ्रंश मूलक आकृति है, प्रत्यास्त पुनर्चरण सिद्धांत भ्रंश मूलक से संबंधित है, इसका उत्तर केवल ए होगा, ना ही वलन पड़ेगा ना ही ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है, सिर्फ और सिर्फ भ्रंशन से संबंधित है, आप सविंदर सिंह की पुस्तक में से उठाकर देख सकते हैं, लिखा हुआ उसने प्रत्यास्थ पुनर्चरण सिद्धांत एच एफ रीड द्वारा तनाव मूलक भ्रंश से संबंधित है, तो केवल और केवल भ्रंश से ही होगा। फिर एक परिभाषा पूछी गई, प्रकृति की मेज नियत व्यक्तियों के लिए, जो इस पर अधिक समता से नहीं आएगा वो गिर जाएगा, इसका उत्तर रॉबर्ट थॉमस माल्थस था, माल्थस की परिभाषा थी ये, 3 नंबर थॉमस माल्थस की परिभाषा थी 90 नंबर प्रश्न में। आगे बात करते हैं, फिर 12वीं में पार्ट नंबर 7 से प्रश्न आया, बाढ़ के लिए उत्तरी प्रदेश और बिहार सही है, भूकंप के लिए हिमालय का गिरिपथ क्षेत्र, चक्रवात मध्य पूर्वी भारत में और सूखा झारखंड में उत्तरी उड़ीसा में सामान्य तौर पर पड़ता है। प्रभाव व्यक्तियों का हिम्न सिद्धांत डेली ने दिया, हम डेली डेली नियंत्रण करते हैं, डेली डेली नियंत्रण करते हैं, कभी प्रकृति के साथ कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, तो रोज रोज नियंत्रण का सिद्धांत जो है वो चलता है प्रभाव व्यक्तियों। फिर सुमेलित करना था सीआईएस, अजरबैजान सीआईएस में आता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट में, ओपेक में नाइजीरिया स्थित है, साफ्टा में श्रीलंका है और आशियान मलेशिया में आता है, सामने से प्रश्न था ये। तो फिर भारत में कृषि वानिकी किसका कार्य है, कृषि मंत्रालय का, भारत में कृषि वानिकी कृषि मंत्रालय का शीर्ष निकाय है, हेडली कोशिका किन दो के बीच में बनती है, तो पहले हेडली कोशिका होती है भूमध्य रेखा के आसपास, फिर फेरल और फिर ध्रुवीय है, तो हेडली कोशिका न्यून वायुदाब मध्य रेखीय है और उपोष्ण उच्च वायुदाब के बीच बनती है। उसके बाद में अनस्टेबल अर्थ, अगर आप समस्थिति वाला चैप्टर निकालेंगे सुरेंद्र सिंह की पुस्तक में तो सामने सामने लिखा हुआ अंग्रेजी में परिभाषा लिखी उसने नीचे लिखा है अनस्टेबल अर्थ, जे ए स्टीयर्स की पुस्तक है 1761 के आसपास शायद तक, उसमें 1961 है कुछ, तो जे ए स्टीयर्स की पुस्तक है अनस्टेबल अर्थ, याद रखेंगे इसे, इसका उत्तर एक रहेगा। ऊंचा स्तंभ प्राट का, ऊंचा नीचा नीचा ऊंचा प्राट, 2011 में राजस्थान में 1,00,000 से अधिक संख्या वाले नगर, 30 नगरों की संख्या टोटल, तो उसका उत्तर 3 रहेगा, 30 संख्या थी भाई। उसके बाद में हैंगिंग गार्डन बेबीलोन के झूलते कभी वर्ल्ड के 7 स्मारकों में हुआ करते थे, अजूबों में बेबीलोन के झूलते बगीचे, बेबीलोन का कथन था ये,
ये बेबीलोन से संबंधित है। ध्यान रखेंगे बेबीलोन था इसका उत्तर, प्राचीन नगरीय भूगोल से। समित और असमित एक वलन है, समित और असमित एक वलन है, ठीक है। हमको पता है समित असमित पांच दस प्रकार के वलनों में से एक दो प्रकार। किस में सफेद कोलर श्रमिक सर्वाधिक होते हैं, कहीं कौन से में फोर्थ एक्टिविटी सबसे अधिक की जाती है? तो लोहे उद्योग में नहीं होगी, सूती में नहीं होगी, खाद्य प्रसंस्करण नहीं होगी, फार्मास्यूटिकल में, पैरा मेडिकल इंडस्ट्री में जो है वो इसका सर्वाधिक योगदान होगा। निरूपक भेद इसको हमने हल नहीं किया। 103, 104 को छोड़ देंगे, 105 भी हमसे संबंधित नहीं था, जेडपीडी भी नहीं था, 107 पर आ जाइए। यहां पहला जो उत्तर है कथन वो सही था, राजस्थान में 2001 से 2011 के आंकड़ों में 5.72 की वृद्धि हुई है। यहां 8.25 नहीं है, यहां 3.50 है और ये यहां होगा। न्यूनतम जालौर जिले के झुंझुनू की न्यूनतम अधिकतम नहीं है, ये भी गलत था, ये सही था। तो ए और डी कथन जो है वो सही थे, ये गलत थे। ये महिलाओं की है और ये पुरुषों की है, ठीक है। इसका उत्तर ए और डी जो है वो सही रहेगा, 107 का। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम फिर 12वीं की एनसीईआरटी के पार्ट नंबर 6 से प्रश्न आया, तो इसमें साफ लिखा हुआ है 1974 इसका उत्तर होगा। अच्छा, हेडन ने अपनी पुस्तक में केशो, पुस्तक का नाम है रेसेज ऑफ मैन, रेसेज ऑफ मैन है हेडन की पुस्तक, जिसमें ये कुछ कहा गया है उन्होंने कि प्रजाति का वर्गीकरण किया, 1974 इसका था, इसका रेसेज ऑफ मैन ध्यान रखेंगे, हेडन की पुस्तक रेसेज ऑफ मैन है। उसके बाद में कथन फिर कृषि जलवायु प्रदेशों से हरिमोहन सक्सेना से सिर्फ लाइनें उठाई गई चार की चार और आपको प्रश्न दिया गया, इसमें अलवर भरतपुर करौली और सवाई माधोपुर ये उत्तर होगा। चाहे देख लें कृषि जलवायु प्रदेश में जो है ये लाइनें चार की चार लिखी हुई है, आंध्र प्रदेशों के अंदर पूर्व में नाग पहाड़ अजमेर में स्थित है, 111 में नाग पहाड़ अजमेर में स्थित है, याद रखेंगे इसे भी। 111 का उत्तर एक होगा। 112 फिर से एक नंबर उत्तर सामने मान लिया गया, सबसे पहला NaCl, उसके बाद में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इसका उत्तर ये रहेगा। उसके बाद में डॉल्फिन उभार दक्षिण में नहीं है, उत्तरी अटलांटिक में है, गलत छापना था, सुमेलित नहीं है, उत्तरी अटलांटिक में है डॉल्फिन उभार, उत्तरी अटलांटिक में है, याद रखेंगे इसे। आगे वायुमंडल में रुदोष्म ताप परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, तो जब वायु नीचे आती है और ऊपर उठती है, संवहन और अभिवहन, ठीक है, संवहन और अभिवहन से ये प्रक्रिया हटते हैं। रिफ्लेक्स यहां समझाता है स्थल व समुद्र शक्ति के बीच संघर्ष, तो वैसे सिलेबस में नहीं था फिर भी आरपीएससी ने छाप दिया, ठीक है प्रश्न को, पर चलता है कोई बात नहीं। मेरे को लगता है इस क्वेश्चन पर रीट अवश्य लगेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है इसका उत्तर विशिष्ट आर्द्रता, आर्द्रता की वो विधि किसमें दबाव और तापमान, तो दबाव और तापमान दोनों थे, उत्तर विशिष्ट आर्द्रता रहेगा, उत्तर विशिष्ट आर्द्रता रहेगा कि क्या प्रक्रिया प्रभावित होती है। आकलपुर फसल पार्क देखते हैं क्या इसका उत्तर मानती है आरपीएससी। उसके बाद में कौन सा सुमेलित नहीं है, बरवाड़ा जयपुर में है, अभी बरवाड़ा पर्वत जयपुर में है, पर्वत जयपुर में है, अजमेर में नहीं है, बाकी सब सुमेलित थे। मैंग्रोव पाए जाते हैं कृष्णा नदी के डेल्टा पर, फिर कह रहा हूं 12वीं की एनसीईआरटी 11वीं की एनसीईआरटी की बुक नंबर 2 के चैप्टर वनस्पति से प्रश्न पूछा गया, कृष्णा महानदी के डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, एक साइड लिखा होगा नीचे। फिर गलत जोड़ा, तीन सुमेलित थे, जुमिंग भारत में कहते हैं, मिल्पा मेक्सिको में कहते हैं, लदान मिलने में कहते हैं, तमराई वेनेजुएला में नहीं कहते, तमराई वेनेजुएला में नहीं कहते, ध्यान रखेंगे। दो नंबर उत्तर गलत था, इसमें गलत छापना था। उसके बाद में खराब मानसिक स्थिति, अल्फ्रेड वेबर में श्रम लागत सूचकांक, अल्फ्रेड वेबर में श्रम लागत सूचकांक का जो उत्तर है वो दो नंबर रहेगा। श्रम लागत लेबर कोस्ट बटे वेट ऑफ फिनिश्ड कोस्ट, यानी श्रम का लागत और बटे में जो उत्पादित वस्तु का कुल भार है, ये इसका उत्तर था दो नंबर। वेबर से दोनों प्रश्न पूछे गए, श्रम लागत का भी और पदार्थ सूचकांक का भी, दोनों बढ़िया प्रश्न। भूवादी विचारधारा के जनक कौन है, हिटलर एक आदर्शवादी है, ए बी और डी रहेगा इसका उत्तर। उसके बाद में ढाल के तत्वों में, फिर ढाल पूछी गई, सबसे पहले होती है उत्तलता,
उत्तलता के बाद मुक्त पृष्ठ सरल रेखीय और अवतलता, ये डायग्राम बनेगा। एक नंबर उत्तर इसका सही था। उसके बाद में आगे देखते हैं 125 नंबर प्रश्न। अल्फ्रेड वेबर में फिर आपसे पदार्थ सूचकांक पूछा गया, तो कच्चे माल का भार बटे उत्पादित माल का भार, पदार्थ सूचकांक कच्चे माल का भार बटे उत्पादित माल का भार, उत्तर नंबर दो रहेगा 125 का। दुर्बलता मंडल मेंटल का हिस्सा है, दुर्बलता मंडल मेंटल का हिस्सा है, याद रखेंगे। 126 में दो नंबर उत्तर आएगा, किस पर भूमध्य रेखा प्रदर्शित नहीं होती। अब क्या है, तीन स्थितियां होती हैं, एक केंद्र से, विपरीत परिधि से, अनंत से। जब केंद्र से होते हैं, यानी ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा केंद्र से प्रकाश डालेगी तो भूमध्य रेखा कागज पर प्रदर्शित नहीं होती। तो केंद्र नोमोनिक वाला इसका उत्तर था, जियो नोमोनिक में ये नहीं होता। 2009 की जनसंख्या नीति में 2045 तक जनसंख्या को स्थिर रखने का लक्ष्य दिया गया, परंतु वर्तमान में सरकार ने इसे बढ़ाकर 2070 कर दिया है। पुराने के अनुसार 2045 ही मानेंगे। फिर आगे पीशन गुप्ता ने कश्मीर और हिमाचल घाटी को उत्तर मध्य वृहद प्रदेश में माना है, उत्तर मध्य वृहद प्रदेश में माना है, तीन नंबर उत्तर रहेगा, उत्तर मध्य वृहद प्रदेश में। चलिए आगे, मिलान करना था, इसका उत्तर जो है वो यहां गलत लगा हुआ है। 130 का उत्तर जो है वो रहेगा हमारे हिसाब से दो नंबर। सेंटर शंकु है माउंट इल्जांको, आप सविंदर सिंह की फिर भौतिक भूगोल ज्वालामुखी में देखेंगे, अंतिम में ध्यान दे रखे हैं। अम्लीय लावा का स्ट्रोम्बोली है, शारिया का फ्यूजियामा, शारिया का माउंट लोहा और मिश्र का फ्यूजियामा, ये उत्तर आएगा इसका दो नंबर। सेंटर शंकु माउंट इल्जांको सेंटर शंकु है, अम्लीय लावा स्ट्रोम्बोली है, मिश्र शंकु फ्यूजियामा है, शारिया माउंट लोहा है, दो नंबर उत्तर बनेगा इसका। एनवायरमेंट रेसर माइग्रेशन ग्रिफिथ टेलर की पुस्तक थी, 131 का उत्तर एक रहेगा, 131 का उत्तर एक रहेगा, ये ग्रिफिथ टेलर की किताब है। पर्यावरण प्रजाति और उसका प्रवास, ये ग्रिफिथ टेलर की पुस्तक है, 131 का उत्तर दो नंबर एक नंबर रहेगा, ना कि हटिंगटन। उसके बाद में फिर 12वीं की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर एक से सीधा सीधा उठाकर सारणी से प्रश्न पूछा गया आपसे, बिल्कुल एक का सी रहेगा, अंतर्युद्ध अवधि क्षेत्रीय विभेदन से संबंधित है, अंतर्युद्ध अवधि क्षेत्रीय विभेदन से संबंधित है भी। उसके बाद में 1950 का दशक स्थानिक संगठन का है, 70 का अमूलवादी और इसका है, ये इसका उत्तर बनेगा, 90 का ये बच गया भूगोल में उत्तर अलगाबाद, एक नंबर उत्तर इसका सही रहेगा, एक नंबर उत्तर इसका सही रहेगा बिल्कुल। भारत में काली मृदा के बारे में सत्य है नहीं है पूछा था, फिर वही बात, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है कम नहीं होती, यहां उच्च आएगा। पहाड़ी ढाल चक्कर, पहाड़ी पर ढाल, किंग चढ़ेगा पहाड़ी पर, एल सी किंग, पहाड़ी ढाल चक्कर सिद्धांत जो है एल सी किंग ने दिया है। उसके बाद में पी सेन गुप्ता 7-48 तक। उसके बाद में केरल में जनसंख्या वृद्धि दर 4.91% बढ़ी है, 4.91% एनसीईआरटी में प्रमाण पत्र दे रखा है, वहां 2001 में 9.4% लिख रखी है, जबकि ये 4.91% है 2011 में, केरल की संख्या वृद्धि 4.91% बढ़ गई। फेल्स पार फेल और पास हम अजमेर में होते हैं, अजमेर में बोर्ड है, तो फेल्स पार अजमेर में होगी भाई। 137 का उत्तर तीन नंबर। दिनारिक प्रजाति काकेशाइड से संबंधित है, बिल्कुल सही उत्तर था ये, दिनारिक प्रजाति काकेशाइड से संबंधित है, काकेशाइड से संबंधित है दिनारिक प्रजाति में। आगे ग्रेट बैरियर रीफ अपतटीय ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, अपतटीय ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, संभववाद नहीं है, लुशियन फेबरे जीन ब्रूश और सावर ने संभववाद की वकालत की है भाई। कार्ल रिटर यहां कट गया, यहां चिशोल हटिंगटन कट गया, यहां कार्ल रिटर, फिर तो एक ही ऑप्शन बचता था, लुशियन फेबरे जीन ब्रूश और कार्ल सावर। दंगंगदार प्रदेश, फिर हरिमोहन सक्सेना से राजस्थान के दक्षिणी अवती प्रदेश में, ये चारों दंगंगदार के पांच पार्ट है, शाहबाद उच्च भूमि, ठीक है, ये सब चीजें तो यहां से आया था ये प्रश्न। उसके बाद में सीसा जस्ता मोतिया मगरा लोहा तीनों सुमेलित थे और अंत वाला सुमेलित नहीं है, लोहे की खाने नहीं है कोलन और मंथान। उसके बाद में अम्बलैंड और नगरीय पहाड़ से संबंधित है, सिद्धांत डीप तो पूछा नहीं, ऊपर ऊपर से पूछ लिया, तीनों थे, कैरी का गुरुत्व, कन्वर्स का अलगाव बिंदु, रैली का फुटकर नियम,
तीनों के तीनों सिद्धांत सुमेलित थे इससे, तो ए बी वैसी थार मिट्टी में शुष्क वन के लिए, शुष्क वन के लिए, वनों के लिए 64 से 127 थार्मेट को काफी कोपेहर को कम पूछा, कोपेहर भारत में पूछा गया, थार्मेट को विश्व के स्तर पर पूछा। यह प्रश्न था इसका उत्तर 146 का। 147 में पियाजे पूछा गया, फिर वाणिज्यिक डेयरी में शामिल नहीं है, तो फिर यह इंडोनेशिया मलेशिया स्थानांतरित किसी से संबंधित है, ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी सब जो है वो वाणिज्यिक संबंधित है। एक थार्नडाइक का प्रश्न था 149 पर। 150 पर 6 से 0 आयु वर्ग में बांसवाड़ा सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम झुंझुनू है, इसका उत्तर 4 रहेगा। कुल मिलाकर ये आंसर की थी आरपीएससी के पेपर की। मेरे हिसाब से पेपर बहुत अच्छा था और लगभग तैयारी वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल नहीं घबराए, और जिनके दोनों पेपरों में मिलाकर 150 तक प्रश्न सही हो रहे हैं आराम से बैठे, और अभी भी जिन्हें कुछ लगता है सभी बच्चे सेकेंड ग्रेड की तैयारी में लगे आराम से इत्मीनान से, तो तैयारी छोड़े नहीं, पेपर बहुत अच्छा था, आरपीएससी ने बहुत अच्छा बनाया, मेरे हिसाब से ये इसकी आंसर की थी। धन्यवाद, चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे।